वेलकम टू सुभाष इंग्लिश स्कूल डिजिटल लेक्चर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट चैप्टर 7 ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया फॉर क्लास 10 इन इंग्लिश। नाउ दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज अ बेकर फ्रॉम गोवा। द चैप्टर इज इन 3 पार्ट्स एज यू नो। टुडे वी विल स्टडी द पार्ट 1, a baker from Goa. So students, our elders are often heard reminiscence nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. ये जो writer है ये गोवा में इसने अपना बचपन बिताया है और यहाँ पे अपने बचपन की बातों को याद करते हुए कहता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर गोवा के बारे में बात करते हैं कि पोर्चुगीज कॉलोनीज थी ये गोवा पहले, और उस दौरान वहाँ के जो ब्रेड जो पोर्चुगीज लोग बनाते थे उनकी याद करते हुए पूरा चैप्टर है। तो दोज ईटर्स ऑफ लॉव्स माइट हैव वैनिश्ड बट द मार्कर्स आर स्टिल देयर। अब वो जो बेकिंग का जो काम है वो अब इतना नहीं होता है, लेकिन उनकी यादें अभी भी उनके माइंड में ऐसी कैसी है। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सचर्स द माउल्डर्स एंड दोज हु बेक अप लॉव्स। ये आज भी उन लोगों को याद रखते हैं, उनको याद करते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग कि उस समय गोवा में जो ब्रेड का कितना चलन था। उनके माउल्डर्स मतलब सांचे अभी भी वैसे हैं, उनकी भट्टियाँ, उनकी बेकरी का जो है तरीका, और कुछ तो अभी भी चालू है वहाँ पर, जो भट्टियाँ हैं बेकरी हैं वो चालू है। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेंस स्टिल एग्जिस्ट। यहाँ तक कि उस समय की ओल्ड एज की जो फर्नेंस मतलब होता है बेकरी बनाने की भट्टियाँ, वो अभी भी मौजूद है। द फायर इन द फर्नेंस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, और वो उसी प्रकार से भट्टियों को जलाया जाता है जिसे पुराने समय में जलाया जाता था। द थर्ड ऑफ द जिंगल ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे थर्ड का मतलब होता है कि एक बांस होता है ये, जो बेकरी का सामान बेचने वाले लेकर आते थे। द थर्ड ऑफ ट्रेडिशनल बेकर्स बेम्बू, ये जो थर्ड का मतलब होता है बेम्बू की आवाज़। तो ये बेकर्स जो होते थे अपनी बेकरी का सामान बेचने के लिए एक टोकरी और साथ में एक बेम्बू लेकर आते थे, तो उस बेम्बू की आवाज़ से ही सुबह सुबह के समय में समझ में आ जाता था कि कोई बेकरी का सामान बेचने वाला आया है। जिस प्रकार से जो हॉकर्स होते हैं वो कोई घंटी लेकर बजाते तो हम समझ जाते हैं कि कोई सामान बेचने वाला आया है, उसी प्रकार से। हेराल्डिंग दिस अराइवल इन द मॉर्निंग, जब ये सुबह सुबह पहुँचते थे तो उनकी आवाज़ से हमें समझ आ जाता था कि कोई ब्रेड वाले आए हैं। कैन स्टिल बी हियर्ड इन सम प्लेसेस मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिलीज प्रोफेशन। अब ये जो प्रोफेशन है ब्रेड बनाने का, ये गोवा में अभी भी जारी है। अब उनके फादर्स नहीं रहे जो बेकरी वाले के, लेकिन उनके बेटों ने भी यही प्रोफेशन अपनाया है और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। दिस बेकर्स आर इवन टूडे नोन एज पाडेर इन गोवा, और ये बेकर्स गोवा में आजकल पाडेर के नाम से जाने जाते हैं, और उस समय पाडेर के नाम से ही जाने जाते थे। ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी अवर फ्रेंड्स, और गोवा में जब हमारे बचपन के दिन थे, हम लोग बचपन में वहाँ गोवा में रहते थे, तो हमारे कई सारे ऐसे मित्र थे जो बेकरी का काम उनके परिवार वाले करते थे, कंपेनियन गाइड, इनसे उनका काफ़ी जो है पहचान पहचान थी। वी यूज्ड टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, हम कम से कम वे लोग दिन में दो बार ब्रेड बेचने के लिए आते थे। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हीज सेलिंग राउंड, और एक बार तो वो सुबह सुबह के समय में मॉर्निंग के टाइम में इसको बेचने के लिए आते थे। एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टीड हीज ह्यूज बास्केट, और दूसरी बार हमारे घर की ओर से तब निकलते थे जब उनका सारा ब्रेड बिक जाता था, तो खाली बास्केट लेकर रिटर्न होते थे।
द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोक अस अप फ्रॉम स्लीप। और वो जो बैम्बू का थर्ड की जिंगलिंग, जिंगलिंग का अर्थ होता है कि गाकर अपने सामान को बेचना, है ना, गाकर ऐड करना अपने सामान का। तो ये लोग जो है आवाज़ करते हुए कुछ गाते हुए ब्रेड को बेचते थे, तो उनसे हमारी सुबह की नींद खुलती थी। एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम तुरंत दौड़ के जाते गली के वहाँ दरवाजे पर घर के और उनको ग्रीट करते थे। वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, शायद हमें उस लोफ से काफ़ी स्नेह था? नॉट एट ऑल, द लोव्स वर बॉट बाय सम पास्किन एंड बेस्टिन्स, क्योंकि हम उस लॉज में से, लॉज मतलब वो ब्रेड, उनमें से कुछ पास्किन और बेस्टिन, ये एक टाइप के ब्रेड है, मीठा ब्रेड और इस टाइप से, तो वो लेते थे। और हमारी जो मेड सर्वेंट थी घर की, वो उन सामान को खरीदती थी उनको चेक करके। व्हाट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बेंगल्स विच वी चूज केयरफुली, जिसमें ये जो ब्रेड बेंगल्स हैं, ये बच्चों की एक ब्रेड होती है जो थोड़ी मीठी होती है, केक जैसी, तो इनको लेती थी उनकी जो सर्वेंट है वो उस बास्केट में से चुनकर। सम टाइम इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और कभी कभी ये काफ़ी स्वीट स्पेशल मेक होती थी। द बेकर मेड इज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद अ जैंग जैंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ, और जैसे ही उनकी जैंग जैंग उस बैम्बू की आवाज़ आती थी, हम लोग समझ जाते थे कि कोई बैम्बू स्टाफ वाला, यानी कि बेकरी का सामान बेचने वाला आया है। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, एक हाथ से वो बास्केट को पकड़ते जो सिर पे रखा हुआ होता था, एंड अदर बैंग्ड टू बैम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरे हाथ से वो बैम्बू को पकड़े हुए जो कि ग्राउंड पे टिकाते थे। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और सुबह सुबह वो ब्रेड बेचने वाले जो घर की लेडीज हैं उनको ग्रीट करते गुड मॉर्निंग, फिर अपने बेम्बू पर उस बास्केट को टिकाते और उसमें से ब्रेड निकाल कर उनको देते थे। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिबुके एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। अब वो ब्रेड को जो हम बच्चे थे छोटे, हम उनको देखने का बड़ा शौक था, उनको बास्केट में देखने का, लेकिन हमारे जो सर्वेंट है वो जो है उसको बास्केट में से ब्रेड ले लेती थी। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम लोग जो है देखे बिना नहीं रह पाते थे। वी वुड क्लाइम अ बेंच, हम एक बेंच के ऊपर चढ़ जाते और द पैरापेट और पीप इनटू द बास्केट, और ऊपर चढ़कर हम, जिसे कोई तोता हो इस प्रकार से, हम ऊपर चढ़कर उस बास्केट के अंदर झांकते थे समाव कैसे भी करके। आई कैन स्टिल रिकॉल अ टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स, मुझे आज भी उनकी वो टिपिकल खुशबू जो है याद है। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बेंगल्स फ्रॉम फॉर द चिल्ड्रेन, जो बड़ों की जो ब्रेड होती थी वो, और बेंगल्स मतलब मीठी केक जैसी बच्चों के लिए, उनका सभी का टेस्ट अभी तक याद है। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश अवर टीथ और वॉश अवर माउथ, और वो लेने के बाद हम बिल्कुल भी केयर नहीं करते थे कि टीथ पे ब्रश करना है ये और मुंह धोना है। एंड व्हाई शुड वी, और हम ऐसा करें भी क्यों? हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ द प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश, कौन मैंगो की पत्तियों से टूथब्रश करे, उनको तोड़कर ढूंढ कर लाए, तो इसके लिए उनको जोर आता था। उस ज़माने में टूथब्रश नहीं होते थे, इसलिए मैंगो की पत्ती से ही ब्रश किया जाता था। एंड व्हाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये ज़रूरी भी क्यों? द टाइगर नेवर ब्रशेज हिज टीथ, क्योंकि टाइगर भी तो कभी अपने टीथ को ब्रश नहीं करता है। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, और उसके बाद गर्म गर्म जो चाय
जो हम लोग ले लेते थे, है ना, और क्लीन एवरी थिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। और उसके बाद हम लोग सब कुछ साफ करते ही थे अपने माउथ को। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल। बोल नाम की एक स्वीट ब्रेड होती थी जो मैरिज के अवसर पर गिफ्ट की जाती थी, तो उसके बिना बिल्कुल मीनिंगलेस वो शादी मानी जाती थी। मतलब वो स्वीट डिश होती ही थी वहाँ शादियों में, जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लोजिस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, है ना। बिना इसके चार्म के वहाँ ब्रेड में शादी का जो मज़ा ही नहीं होता था। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। तो इसी से ये पता चल जाता है कि कितनी इम्पोर्टेंस थी उस समय विलेज में बेकर्स की। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट। अपने डॉटर की इंगेजमेंट पर जो घर की लेडीज है उनको एक स्पेशल टाइप का सैंडविच वो तैयार करती थी। केक्स एंड बोलनास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। एक केक और बोलेनास नाम का कोई स्वीट केक होता था, तो ये क्रिसमस और अदर फेस्टिवल पे बहुत ही आवश्यक थे। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फॉर नेंस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक बेकर का गांव में होना बहुत ही आवश्यक था। द बेकर ऑफ ब्रेड सेलर ऑफ दोज डे हैड अ पिकुलियर ड्रेस नोन एज द कबाई। और ये जो बेकर जब बेकरी का में काम करते तो उनकी एक स्पेशल ड्रेस होती थी जिसको कबाई कहा जाता था। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। एक सिंगल पीस की तरह एक लंबी फ्रॉक जैसी होती थी जो घुटनों तक आती थी। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पेंट्स। और हमारे चाइल्डहुड में हम देखते थे कि जो बेकर से वो शर्ट पहनते थे, ट्राउज़र पहनते थे जो कि घुटने के नीचे लेकिन पैर से थोड़ी सी ऊपर, फुल लेंथ से थोड़ी सी कम होती थी, जिनको हम कैफरी कहते हैं आजकल। इवन टुडे एवरी वन हु वियर्स अ हाफ पैंट विच रिचेज जस्ट बिलो द नीज इन्वाइट द कमेंट्स दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पाडेर। यहाँ तक कि आज भी गोवा में इस प्रकार के पेंट का चलन है जिसको हम कैफरी कहते हैं आजकल। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। और बेकर जो है मंथ के एंड में अपने बिल का कलेक्शन करते थे। मंथली अकाउंट यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। और जो मंथली रिकॉर्ड होता था वो जो कस्टमर होते थे उनके घर की दीवारों पर ही लिख दिया जाता था। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। और उन दिनों बेकिंग एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन होता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। बेकर और उसके परिवार वाले कभी भी भूखों नहीं मरते थे। स्टार्व मीन्स हियर भूखे नहीं मरना। हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। वह बेकर, उसकी फैमिली के मेम्बर्स और सर्वेंट्स हमेशा हैप्पी और प्रॉस्परस जान पड़ते थे। देयर प्लम्स फिजिक्स वॉज एन ओपन टेस्टिमोनी टू दिस। उनका जो हेल्दी शरीर है, मोटा सा, थुल थुला सा, वो ये बताता था कि वो किस प्रकार प्रॉस्परस है। खाने पीने की कोई टेंशन नहीं होती थी, न कमाने की टेंशन थी क्योंकि उनका प्रोफेशन में काफ़ी कमाई थी। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीरेंस इज इजीली कंपेयर टू अ बेकर। यहाँ तक कि आज भी इस प्रकार का कोई फिजिक वाला व्यक्ति अगर गोवा में दिखाई देता है तो इजीली हम कह सकते हैं कि ये जरूर कोई बेकर होगा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज एंड ऑफ दिस पार्ट। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।